अभी ये लोग ये लाइट के ऊपर चढ़े थे, तूफान आया था, तो तूफान की वजह से वो लाइट का मुंह ये साइड हुआ था। क्रिकेट ग्राउंड अपना ये साइड है, लाइट का मुंह हुआ था ये साइड। चलो मम्मी दिन का पहला काम बताओ, क्या लेके आना है? ओके कभी कभी ये बच्चे लोग का भी सही लगता है, दिन भर खेलो उसके बाद नहाओ। अभी हम भी ऐसे ही करेंगे, सारे बाहर के काम खत्म करेंगे और उसके बाद नहाएंगे। ये देख उसका शुरू हो गया। बच्चे लोग को क्या है, वो तो वेट करते रहते हैं सूरज देवता कब ऊपर है और हम लोग कब नीचे चले जाए। दिन भर खेलते रहते और इतने खेलते एक ही अच्छा हो रहा है ये लॉकडाउन में। बच्चे लोग का ग्रोथ मस्त होगा, दिमाग की ग्रोथ कितनी होगी वो पता नहीं, लेकिन फिजिकल ग्रोथ बहुत सही होगा। बैग नहीं लेके जाऊंगा मम्मी, छोटा बैग है, वहां से ले लूंगा मैं बैग। नहीं नहीं, बैग लेके जा। क्या मम्मी, लास्ट टाइम भी तूने 10 रुपए का बैग लिया वहां पे। हां तो 10 रुपए का सामान इतना ज्यादा था तो 10 रुपए का बैग लेना ही पड़ा मुझे। घर में इतना बैग पड़ा है लेकिन वो वहां पे न्यू बैग के अब ये इतना छोटा बैग दिया, ये सामान इतना लाने बोलती है, तो अगर सामान उसमें नहीं बैठा तो मैं बड़ा बैग लेके आता हूँ, उसमें क्या जाना ना। ठीक है, मेरी गलती, मैं 10 रुपए भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो फिर नहीं करूंगा मम्मी, नहीं करना ही नहीं करूंगा मम्मी, नहीं करना चाहिए। आपको रीजन चाहिए ना कुछ मुझ पे गुस्सा करने के लिए। तो फिर क्या बताया था मैंने, खाली आई मैं पहला लड़का ऐसा हूँ, मैं पहला ऐसा लड़का हूँ जो ज्यादा सामान लाता है घर पे, इसलिए मम्मी गुस्सा होती है। आपको पता है लड़के काम नहीं करते। मम्मी ने मुझे बोला था सिर्फ ऑयल लेके आया, मैं मम्मी के लिए और कुछ खाने की चीजें लेके आया, अलग अलग चीजें लेके आया, तो चाय के साथ कुछ तो लेके आया खाने के लिए। हाँ, तो बस और ऑयल। हाँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें लेके आई, लेकिन मम्मी ये प्लस पॉइंट है, लड़के लाते नहीं है। लड़के बोलते नहीं नहीं घर ये क्या लेके जाना है, वो क्या लेके जाना है। मैं ज्यादा सामान लाता हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मतलब ये कितनी नाइंसाफी, कितनी बड़ी नाइंसाफी, कितनी अजीब चीज है। तो हर समय जाता है ना 700 से 1000 तक शॉपिंग करके आता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आने के लिए। अभी पिछले टाइम पे भी जब मैं गया था तो मम्मी ने मुझे 3 चीजें बोली थी, मैंने एक्स्ट्रा चीज लाई, अच्छी है ना, खत्म तो हुई ना। तो एक साथ 1000 की शॉपिंग करके आता है, वेस्ट हुआ क्या? वेस्ट हुआ नहीं ना, वेस्ट नहीं हुआ ना, तो मेन चीज वही है ना। अगर वेस्ट हो रहा है तो आप मुझे बताओ। अरे बाप रे बाप, आगे का किधर बोल रहे हो मम्मी, इधर कल के दिन का पता नहीं, आगे का किधर सोचेंगे हम लोग। तो गाइस आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। अभी मैं ये कैमरा के बारे में कुछ वीडियोस देख रहा था, आजकल ये कैमरा बहुत गंदा हो रहा है। जब मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ तो कैमरा यूँ ख़राब हो जाता है। पहले कैसे था, वीक में हम लोग 2 या 3 टाइम ही कुछ व्लॉग्स बनाते थे, तो वो टाइम पर कैमरा इतना ख़राब नहीं होता था। तो अभी कैमरा ख़राब होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हुई है, तो इसे क्लीन करने के लिए अलग अलग जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक नॉर्मल क्लीनिंग पता है, लेकिन कैमरा को अगर मुझे क्लीन नहीं रखने आया तो ये कैमरा जल्दी तकलीफ देगा, जल्दी प्रॉब्लम निकालेगा। दूसरी बात ये है, ये लेंस, मैंने 2 चीज़ों के बारे में आपसे शेयर किया था, ये लेंस और एक लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप के बारे में तो मैं अलग अलग नुस्खे ढूंढ रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि मैं कल निखिल को मिला था, तो निखिल ने मुझे जो भी लैपटॉप का अंदर का सिनेरियो है वो समझाया, और उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई मुझे जो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हम अपने लैपटॉप में और कुछ चेंज करने वाले हैं जिससे अपना लैपटॉप और 6 महीना या 1 साल तक चलने वाला है, तो मेरा वो बड़ा खर्चा बच गया। और आजकल आपका भाई ट्राई कर रहा है खर्चे बचाने का, ट्राई कर रहा है कि सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो। अभी आती है लेंस की बात, लेंस मुझे कैसे भी करके चेंज करनी है। प्रॉब्लम मैं हर व्लॉग में ही आजकल बोलने लगा हूँ, कैमरा है सोनी का, लेंस है टैमरॉन की, ये इतना सूट नहीं हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर हुई तो ओवर एक्सपोज करेगा। तो मेन बात यह है कि हर बार सेटिंग चेंज करो, हर बार वो सारी चीजें सेट करो जो आप देख रहे हो। तो अगर यही सोनी की लेंस है तो सोनी में कलर थोड़े और उठ के आएंगे और बेटर लगेगा, आपको पिक्चर क्वालिटी और अच्छी लगेगी। इसलिए मैं लैपटॉप चेंज करने का तो मैंने कैंसिल किया, लेकिन मैं लेंस जरूर चेंज करूंगा, और वो भी आने वाले बड़ी राइड से पहले। सुमिल गणपति बोल, गणपति। ये आ गया स्टूल, ये स्टूल का काम होगा, ये फैन मुझे क्लीन करना है, अंदर वाला फ्लैन मुझे क्लीन करना है, फ्लैन नहीं फैन। कभी कभी छोटी छोटी लाइन पे भी फंबल बहुत मारता हूँ। और ये ब्रश, ये डिब्बा लेके हम क्लीन कर रहे हैं, नीचे ही रखता हूँ, ऊपर से गिर गया तो लग जाएंगे मेरे। हम क्लीन कर रहे हैं ये वाली चीज़,
ये एक तो इतना डिफिकल्ट पोर्शन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरते रहता ही है। में से कितने लोगों को ये चीज़ लग गई, आजकल जितने यूट्यूबर है सारे घर पे घर का कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे हैं। देखो इसमें एक ही चीज़ मैं कहूँगा, कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अभी मज़ा आने लगा है। मम्मी ने मुझे 10 बार बोला था ये ऊपर मत रखो, और मैंने ये गिरा है, इसलिए मैं शांत हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पहले कहा था नीचे रख, इतना गुस्सा करके हम ये मत दिए को मम्मी, नीचे पानी किया मम्मी, कूदू कूदू भी कर सकती है हम लोग, समझे बेटा, इतना काम किया मम्मी, इतना पसीना आया, वो बात अलग है। और आप फैन कर रहा हूँ ना क्लीन मम्मी, क्या है मम्मी, देखो मैं पूछता हूँ, छोड़ दो छोड़ दो, मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, पहले छोड़ पड़ेगा। मम्मी अगर गुस्सा होती है उसका सब गुस्सा बाहर निकलता है तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब मम्मी गुस्सा नहीं होती, मम्मी जस्ट ऐसी चीजें देखती है, तब मुझे अलग डर लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चलो ये हमें समझ में नहीं आता। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, मैंने क्लीन किया वो आपको अच्छा नहीं लगा, आप अभी खुद क्लीन कर रहे हो, तो बेटर है आप मुझे बताओ मत काम। हाँ मम्मी उस पर मत चढ़ो, मम्मी मम्मी उस पर मत चढ़ो, नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, मैंने किया है क्लीन, एक तो प्रॉपर क्लीन किया है, और करने की जरूरत नहीं, उस पर चढ़ के नहीं करने का, बच्ची हो गया आप, थोड़ा सा बच्ची जैसी हरकतें करती रहती है। अभी ये स्टूल पे चढ़ के इतने ऊपर जगह, एक तो यहाँ पे मैंने ग्रिल नहीं लगाया, ऊपर चढ़ के बाहर हाथ निकाल के क्लीन करोगे, मैंने चढ़ के क्लीन किया है, वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, इतना गंदा नहीं होता, जो तूफान आया था ये तूफान की वजह से इतना गंदा हुआ, थोड़ी मिट्टी आई थी, तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी तो वो फिर से क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी देखो यार, इतना क्लीन किया है मैंने, इतना क्लीन किया है, कैमरा पे कितना पता चलेगा पता नहीं, लेकिन इतना क्लीन किया है, तो भी मम्मी का स्टूल लेके चढ़ रही है, बच्ची हो गया आप मेरी प्यारी मम्मी हो, बच्ची हो। एवरी इवनिंग को मेरे यहाँ पे स्मोक आता है, ये देखो स्मोक, बेचारे ये अंकल एवरी डे ये टाइमिंग पे हर फ्लोर पे मॉस्किटो के लिए स्मोक मारते हैं, लेकिन मॉस्किटो हमसे ज्ञानी है, मॉस्किटो कोने कोने में छुप जाते हैं, जैसे स्मोक का असर कम हो जाता है वैसे मॉस्किटो बाहर आते हैं, ये मेरा मानना है, बिकॉज मॉस्किटो तो कम नहीं हो रहे, 2-3 ही आते हैं रात को, लेकिन वो 2-3 आपको हैरान कर देते हैं, वहाँ पे आती है वो नाना पाटेकर जी की बात, एक मच्छर आदमी को बना देता है, अब बीच में क्या है वो आप फुलफिल करो। मम्मी मैं आपको मेरे हाथ की चाय पिलाता हूँ, एकदम मस्त वाली कड़क चाय। मतलब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये चाहते हैं कि हम सारा काम करें, और हम काम करने के बाद ये सेटिस्फाइड भी नहीं होते, बोलते नहीं नहीं रुको ऐसा नहीं है, ऐसा होता है मुझे करने दो, और पहले बोलेंगे नहीं नहीं तू कर, तूने करना चाहिए, तू काम नहीं करता घर पे। मैं पिछले 2-3 दिनों से एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड पे गया नहीं, आज मेरा जाने का प्लान था, मैंने जानबूझ के मम्मी के सामने बोला नहीं, अगर मैं मम्मी के सामने बोलता बोलती 3-4 दिन लास्ट रुक गया नहीं, अभी जैसे मैंने काम बताया तेरा बाहर निकलने का प्लान बना, अभी नहीं जाऊँगा, अभी हम लोग चाय की पार्टी करेंगे। हाँ मस्त आपके लिए गर्मा गर्म चाय, चाय और खारी, मुंबई वालों को पता होगा इस पार्टी की अहमियत, चाय और खारी पार्टी। मेरी तारीफ हो रही है लेकिन कैमरा बंद होने के बाद मेरी तारीफ होती है, सुनो क्या बोले मम्मी, मस्त दिख रहा है लेकिन अच्छा साफ किया तुमने, अच्छा साफ किया मैंने, देखना वाइट कितना अच्छा दिख रहा है मम्मी, कैमरा चालू है क्या? पकड़ी गई मम्मी, कैमरा बंद है, मम्मी को जब पता चलता है तो मेरी तारीफ होती है, जैसे कैमरा स्टार्ट होता है मम्मी को क्या होता है पता नहीं। मम्मी आप मेरी इतनी क्यों केस लेते हो, इसी चीजों पे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो चीजें आपके भाई के साथ होती है, अगर यही चीजें आपके घर में भी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, हम एक अलग यूनियन बनाएंगे लड़कों की। हाँ, बनाओ बनाओ, हम भी बनाएंगे कितने भी कार्टून निकले, कितने भी सुपर हीरो के कार्टून निकले, लेकिन ये कार्टून को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। चाय खारी पाड़ी डिप करो, हार्डिस निकाल के बैठा था, 2 हार्डिस है मेरे पास, जो अभी उसको सेटअप करना है, जो पुरानी हार्डिस है, मुझे आदत है जब भी हार्डिस में सारा डेटा में ट्रांसफर करता हूं तो उसे सेटअप करके रखना पड़ता है,
ताकि वो जब मुझे यूज़ करना है तो इजीली मिल सके। हर एक सीरीज़ को सेपरेट करना पड़ता है, हर एक फ़ोटो का फोल्डर सेपरेट करना पड़ता है। ये चक्कर में मेरा अभी एक डेढ़ घंटा गया। एक डेढ़ घंटे के बाद मुझे पता चला मैंने रॉन्ग हार्ड डिस्क में सारी चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें वो फोल्डर ही नहीं थे। तो वो अलग से फोल्डर बना के फिर सारे नेम चेंज करो, ये वो फोल्डर फिर सेट करो, सारा ऊपर नीचे होने लगा। मतलब इतना डेढ़ घंटे का मेहनत मेरा पानी में गया। कुछ नहीं, मैं फिर से वो कर लूँगा। तो गाइज़, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अगर यहाँ तक देखा है, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल का व्लॉग ट्राई करूँगा थोड़ा लंबा खींचने के लिए। जो भी आप DM भेज रहे हो कि बड़े व्लॉग चाहिए, अभी मैं ट्राई तो करता हूँ जितने मैं बड़े बना सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास शूट रहता है, मैं बड़े व्लॉग भी दे सकता हूँ, लेकिन वो मुझे खुद थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा बोरिंग वाला फील आता है। तो जब मुझे बोरिंग वाला फील आ रहा है तो वो मैं एक्सटेंड करके आपको बोर करना नहीं चाहता। बस आज के व्लॉग में यहां पे ही रुकते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।